अगली खबर जो है वो झारखंड से है, जहां पर मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री हाफिजुल हसन ने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 30% को तंग करोगे तो 70% को खत्म कर देंगे। सुनिए। वो पता है कि हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सब पूर्ण नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। चलिए, तो ये चीज समझ में सब आ गया है। सब पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सब पूर्ण नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। चलिए, तो ये चीज समझ में सब आ गया है। सब को पता है कि तो सुना आपने, दरअसल ये झारखंड के मंत्री हैं जिनका ये बयान सामने आया। हाफिजुल हसन इनका नाम है। मेरे साथी साकेत इस समय मेरे साथ में है। साकेत, आखिर हाफिजुल हसन के इस बयान को कैसे समझा जाए, उनकी इस धमकी को किस तरह से लिया जाए? देखिए, जिस तरह से अभी देश भर में जो बातें चल रही है, जिस तरह से हनुमान चालीसा और यहाँ पर जिस तरह से बातें हो रही है, संदर्भ में कहीं ना कहीं इस तरह का बयान सामने आया है। जिस तरह से उन्होंने खुलकर एक कह सकते हैं बयान दे दिया है कि 70% जो मेजोरिटी है वो भी मुश्किल में आ जाएगा, 30% मेजोरिटी को परेशान किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक धमकी माना जाए कि जिस तरह से हेमंत सरकार में मंत्री होते हुए हाफिजुल हसन ने जिस तरह से बयान दिया है, इस पर निश्चित तौर पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से सीधे तौर पर मेजोरिटी को धमकी देने की कोशिश हाफिजुल हसन के तरफ से की गई है। हालांकि सरकार अभी इस पर चुप है, सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं इस पर कह रहा है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश में है, क्योंकि एक बड़ी धमकी मेजोरिटी को दी गई है मंत्री की तरफ से। जी, लेकिन साकेत, आखिर ये कहा जाए कि अगर 30% को परेशान करोगे तो 70% जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, वो भी ऐसे समय में जब लगातार हमने देखा है कि कई जगहों पर स्थिति बिगड़ी है और ये कहा जाए बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ये तो उनका और भी ज्यादा भड़काने वाला बयान सामने आता है। क्या इसके बाद में कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं? ये बिल्कुल, ये भड़काने वाला ही बयान है, और इसी तरह से इस बयान को लेना भी चाहिए और इस पर संज्ञान निश्चित तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह से एक मंत्री होते एक संवैधानिक पद है, एक जिम्मेदारी का पद है, और उस जगह से बैठकर अगर आप इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं आप फूट डाल रहे हैं, क्योंकि पहले ही बहुत से ऐसे मामले हैं जिसे लेकर तनाव की स्थिति है। चाहे वो जिस तरह से रामनवमी के दौरान जिस तरह की घटनाएं हुई, हनुमान जयंती पर जिस तरह से घटना हुई, फिर मस्जिद और मंदिर को लेकर जिस तरह से हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जो बातें चल रही है, उस बीच में इस तरह से एक मंत्री के तरफ से बयान आना, ये कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को और भड़काने जैसा है, और इस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करे कि आखिर आपके मंत्री के तरफ से लोगों को जिस तरह से भड़काया जा रहा है उस पर सरकार क्या जवाब। ठीक है, साकेत, आपको रोकना चाहूंगी। राजेश ठाकुर जी, जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ में है, राजेश जी, हाफिजुल हसन के ये धमकी भरे बयान को लेकर क्या कहेंगे? उनका कहना है अगर 30% को तंग करोगे तो 70% को खत्म कर देंगे, क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही है ये आप ही के द्वारा अभी तुरंत पता चल रहा है, तो पूरी बात पता करने के बाद ही कुछ कह सकता हूं। जहां तक इस तरह की बात की बात है, आप जानते हैं किस तरह से पूरे देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है, और जिस तरह से नफरत फैलाने का काम चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है तो वो किसी दूसरे दल के सदस्य हैं। लेकिन तो लेकिन राजेश जी, आप इस बात को समझिए, हाफिजुल हसन के जो शब्द थे वो भड़काने वाले थे। मैं आपको बयान भी सुना देती हूँ, आपको संदर्भ भी समझ में आ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, एक बार वो बयान जरा सुनिए। 20 बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। चलिए, तो ये चीज समझ में सब आ गया है। सब पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सब पूर्ण नुकसान है।
अगर हम 20% है तो आप 80% 70%, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। चलिए तो ये चीज समझ में सब आ गया है, सबको तो पता है कि। तो अब आपने सुन लिया होगा राजेश जी की आखिर क्या कहना चाह रहे हैं हाफिजुल हसन जी। मेरे साथ में इस समय दीपक प्रकाश जो कि झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष है, वो भी मेरे साथ में है। दीपक जी, आपने भी सुना होगा हाफिजुल हसन का ये बयान जो हमने जस्ट अभी अपने दर्शकों को भी सुनाया, राजेश ठाकुर जी को भी सुनाया, क्या कहेंगे? हालांकि उनका कहना है कि अभी संदर्भ देखने वाली बात है कि हाफिजुल हसन ने ये बात क्यों कही है। झारखंड के एक मंत्री का बयान इस प्रकार आना प्रत्येक झारखंडियों के लिए, देश के हर एक नागरिकों के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और इस प्रकार का बयान देकर के समाज में समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहे हो, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार के बयान ये दे चुके हैं। और इससे साफ होता है कि नफरत इनके दिल में है, दिमाग में है। इसलिए मैं उनसे मांग करता हूँ मंत्री महोदय से कि झारखंड की जनता और देश की जनता से वापिस माफी मांगे और इस प्रकार का ध्यान न दे कभी। ठीक है दीपक जी, राजेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, आपको नहीं लगता जिस तरह से अभी हालात हैं और हाफिजुल हसन जी का ये जो बयान, हाफिजुल हसन कहते हैं कि अगर 20% 80% वाली उनकी ये धमकी, आपको नहीं लगता कि ये भावनाएं और भी ज्यादा भड़काने वाला आरोप है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए? देखिए, हम ये समझते हैं कि किस तरह से सवाल पूछा गया है और उन्होंने किस तरह से जवाब दिया है, उसको समझने की जरूरत है। जो भी बात है, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम 20% हैं और अगर तंग किया तो 80% को खत्म कर देंगे, ये धमकी नहीं तो और क्या है राजेश जी? नहीं नहीं, ये ठीक है, आप जो जिसने बाइट लिया है वो क्या कह रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा। सारी बातों को बगैर देखे सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने गलत किया या सही किया, आपको आप उनके इस बयान को लेकर क्या कहते हैं? हाफिजुल हसन कह रहे हैं 80% को खत्म कर देंगे अगर 20% को तंग किया, तो आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो लगातार इस तरह की बात करते रहते हैं, तब तो मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं राजेश जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस के अध्यक्ष झारखंड के, आपकी सरकार के मंत्री अगर इस तरह से बात कह रहे हैं तो आप उनके इस बयान का क्या समर्थन करते हैं? नहीं नहीं, आप जिस बयान को मैं सुना ही नहीं हूँ ठीक से, आपके माध्यम से सुन रहा हूँ जी, लेकिन किस संदर्भ में पूछा गया बयान है, किसको वो खत्म करना चाहते हैं, क्या सवाल था, इस सारी बातों को समझने। आपने कहा ना कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बगैर सोचे समझे बात करी, ये भी शोभा नहीं देता। मुझे बात को समझ लेने दीजिए। दीपक प्रकाश जी ने जो बात करी, अगर उनका यही संदर्भ होगा तो पार्टी का स्टैंड क्या होगा राजेश जी? पार्टी का स्टैंड जो होगा वो पार्टी समय आने पर सरकार को बताने का। ठीक है राजेश जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस समय मेरे साथ में है। शहजाद, झारखंड के मंत्री हाफिजुल हसन कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक 20% है, परेशान किया तो 80% को खत्म कर देंगे, धमकी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये झारखंड के भड़काऊ भाईजान है जो वोट बैंक की दुकान चमकाना चाहते हैं, और इसीलिए ये हिंदू मुसलमान के बीच में इस प्रकार से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। परंतु वोट बैंक के चक्कर में ऐसे तत्वों को बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार वहां पर संरक्षण देती है। कभी ये नमाज रूम बनाते हैं असेंबली में, कभी ये और भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में और भी ऐसे कदम उठाते हैं, और आज जिस प्रकार से ये ओपन कॉमनल थ्रेट दिया गया है, ये जिस प्रकार से सांप्रदायिक धमकी दी गई है हिंदू समुदाय को, बहुसंख्यकों को, इसी के चलते हमने देखा है कि किस प्रकार से आए दिन झारखंड में हमले होते हैं हिंदू प्रोसेशंस पर, जिस प्रकार से मासूम हिंदुओं को मारा जाता है भीड़ के द्वारा, और वहां पर कोई कार्रवाई उनके बचाव में नहीं होती है, तो ये इसी का परिणाम है। और आज मांग करते हैं कि इस मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें, अन्यथा ये साबित हो जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा है वो सांप्रदायिक दंगे लगाना है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को भड़काना है। लेकिन शहजाद, जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो अभी अपने इस बयान को ही नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं मैं बयान समझ नहीं पा रहा हूँ, जब समझूंगा तब कार्रवाई की बात कहूंगा।